देश का 80% से अधिक जीरा गुजरात और राजस्थान में उगाया जाता है। राजस्थान में देश के कुल उत्पादन का करीब 28% जीरे का उत्पादन होता है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 27 दिसंबर तक गुजरात में जीरे का रकबा केवल 3 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले समान अवधि में 4.64 लाख हेक्टेयर था और राजस्थान में 5.30 लाख हेक्टेयर में जीरे की बुआई हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल अक्टूबर में जीरे का निर्यात वर्ष दर वर्ष 17% घटकर 1.5 लाख टन रह गया है, जो पिछले वर्ष 1.82 लाख टन हुआ था। वायदा बाजार में मसालों में तेजी देखने को मिल रही है। वायदा के साथ साथ हाजिर में भी मसालों की कीमतें तेज हुई हैं। बात करें अगर जीरे की, तो जीरा वायदा बाजार में 16,000 के सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था, अब वही जीरा 17,000 के पार निकल चुका है। दरअसल जीरे समेत अन्य मसालों की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। मसालों की जो एक्सपोर्ट डिमांड है, पहले इतनी देखने को नहीं मिल रही थी, जिससे जीरे की कीमतों में जोरदार उछाल आ सके। वहीं अब आने वाले दिनों में जीरे के मुख्य उत्पादक राज्यों जैसे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में बारिश और ओले पड़ने का अनुमान है, जिससे जीरे की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। इसी का असर हमने वायदा बाजार पर भी आते देखा। जानकारों के अनुसार जीरे में आगे तेजी का ही रुझान है। भविष्य में जीरे की एक्सपोर्ट डिमांड में इजाफा देखने को मिल सकता है, जो जीरे की कीमतों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। जीरे में नए उच्चतम स्तर देखने को मिल सकते हैं। IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के मुताबिक जीरे का आउटलुक पॉजिटिव है और जीरा आगे 18,000 के भी स्तर दिखा सकता है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।